आज हम चैप्टर वन करेंगे मैथ का सेट। तो सेट क्या है? सेट कीजिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कलेक्शन ऑफ बॉय जूनियर क्लास, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ रिवर इन आवर कंट्री, कलेक्शन ऑफ ड्रेस, कलेक्शन ऑफ व्हीकल, सॉरी तो वो सारे जितने भी वो सब कलेक्शन जिसको सब एग्री करते हों, तो सेट को के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे नंबर वन पॉइंट है, सेट होता है उसके जितने भी मेंबर कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो या एलिमेंट कह लो, एक ही बात है, सेम। दूसरा जो सेट होता है इसको डिनोटेड किया जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे ए बी सी किसी से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कह लो, मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ऐसा कोई सेट ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो मान के कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें कर लेते हैं, और इसको मिडल ब्रैकेट से शुरू करेंगे उसके मेंबर को, तो वो वाले कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू और मिडल ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या है, हमने पढ़ा था कि सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जो इसके मेंबर या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कह लो ये क्या है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए। और आ जाता है बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। जब भी हमें कोई मेंबर को हमें दर्शाना होता है कि फलाना सेट से बिलोंग करता है तो ये चिन्ह लगाएंगे, और नहीं करता तो ये चिन्ह लगाएंगे। जैसे ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, क्योंकि ए जो एलिमेंट है वो सेट ए में है,
और अगर मैं कह दूँ डी बिलोंग टू सेट ए है, क्या डी है इसमें? नहीं है ना, तो डी डज नॉट बिलोंग टू। अब आ जाते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दो मेथड है, पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कह लो, एक ही बात है। तो ज़्यादातर रोस्टर फॉर्म ज़्यादा कहते हैं। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो इनको बारी बारी समझ लेते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये पहले रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम सेट के सारे एलिमेंट को मेंशन करते हैं और एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेट बाय कॉमा। एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, कौन सा मिडल ब्रैकेट। तो जैसे लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर लेस देन 7। तो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर कौन से होंगे? इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 4, 6। तो उससे ज़्यादा आगे जाना नहीं, तो 7 से नीचे तो इतने हैं, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा और कैपिटल लेटर में, कोई से भी कैपिटल लेटर से इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये क्या है, हमारा रोस्टर फॉर्म है। हमने सेट ए को रोस्टर फॉर्म में मेंशन कर दिया, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट मेंशन है, सेपरेट किससे? कॉमा से, क्लोज किस में? मिडल ब्रैकेट से। हम हर एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते रोस्टर फॉर्म में। जैसे सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, तो उसको कैसे लिखेंगे? इस सेट को मान लो कोई बी कोई सेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एस लिख लिया, कोमा लिख के सी, एच लिख दिया और ओ दो बार है, तो इसको एक ही बार लिखें। दोबारा नहीं लिखेंगे कोई भी सेट को, यूनिक, हर एक एलिमेंट यूनिक होगा, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पोसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। विच इज नॉट पोसेस्ड बाय। जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते होंगे, और जो सेट के बाहर के जो एलिमेंट होंगे वो उनमें से कोई भी
एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती होगी जो मेंबर ऑफ सेट से हैं। जैसे एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम कोई सेट ले देते हैं, जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो सो रोस्ट क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं एक्स सेमी कोलन का मतलब है सच दैट, एक्स सच डेट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि जो ये चीज़ बताएगा यार एक एलिमेंट के बारे में बता रहा है, इज ए वोवल, ए वोवल है इन इंग्लिश अल्फाबेट, ई ये लिखेंगे तो ये भी वो वाला इंग्लिश अल्फाबेट, ये सारे एलिमेंट ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, ओ इज ए वो वाला इन इंग्लिश अल्फाबेट, यू यू इज ए वो वाला इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो समझ गए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज द मेंबर ऑफ विच इज द विच बिलोंग टू द गिवन सेट विच इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सेट ऑफ आल एक्स, सेट ऑफ आल एक्स इसका मतलब सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है, सारे एलिमेंट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसका पावर दो तो दो ही वैल्यू होगी, माइनस टू वन जो टू स्केयर दो एकम दो और जमा घटा करने पर एक्स है, तो माइनस करा तो माइनस का बड़ा होगा, दो एकम दो प्लस का वैल्यू आ रही है इसमें, प्लस का दो एक्स माइनस में एक्स, तो इन दोनों को गुणा करके माइनस दो एक्स स्क्वायर आएगा, आना चाहिए जमा घटा करें तो एक्स आना चाहिए, दो एक्स माइनस में एक्स कर देंगे तो ये आएगा, तो एक्स कॉमन ले लें इसमें से एक्स प्लस में टू माइनस वन को मन लेता एक्स प्लस में टू, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू इधर जाके इक्वल के इधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो दो एलिमेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रोस्टर फॉर्म में, वन माइनस टू, ठीक है, एग्जांपल दो ले लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको पढ़ेंगे कैसे, सेट ऑफ आल एक्स सच डैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, शर्त क्या ला दी है, एक्स स्क्वायर है जो 40 से नीचे है, तो पॉजिटिव इंटीजर का है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो इसके एलिमेंट लिखने पड़ेंगे कौन कौन से, तो जीरो तो आएगा नहीं, वो जीरो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वन से स्टार्ट करेंगे, वन का स्केयर वन ही रहेगा, टू का स्केयर फोर, थ्री का स्केयर नाइन, फोर का 16, फाइव का 25, सिक्स का 36, सेवन का 49, 49 बड़ा हो जाएगा, छोटा होना चाहिए स्केयर, तो ये क्या है रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, तो इसमें इस सेट को क्या कह रहा है, सेट ये है कोई 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, तो
तो पहले सेट ए लिखते हैं, मोस्ट परफॉर्मिंग 149 सेक्शन 25। तो इसमें ये क्या है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, मोस्ट परफॉर्म में है। तो इससे क्या प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, क्या है, नेचुरल नंबर है सारे, तो इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ आल एक्स सच डेट एक्स वी जे स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोलो स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर, और एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। एग्जांपल 4 ले लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में करो तब ना, तो इसका रिलेशन निकाल लेंगे हम कुछ बनाने के लिए। ये देखो ये नेचुरल नंबर है और ये क्या है, नेचुरल नंबर प्लस 1 प्लस 1 2 नेचुरल नंबर प्लस में 1 3। तो कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेट ऑफ आल एक्स एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू क्या है, एन अपॉन में एन प्लस 1। इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसा कर लो, इसको 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सेट ऑफ आल एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 नेचुरल नंबर है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन जो है लिमिट है ना, कि एन इन्फिनिटी तक तो नहीं गया ना, तो लिमिट डाल देंगे, एन क्या है 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, 6 के बराबर है, तो 6 भी मेंशन है इसमें, ये डाल दें, कंडीशन डाल दें। तो ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कर दिया। इसमें क्या कर रहा है, हमें मैचिंग करना है, ये क्या है रोस्टर फॉर्म में दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, इनका मैचिंग करना है। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल इस कौन से सेट में है, कलेक्शन के ये बन रहा है, तो पहले को डी से, ये क्या कह रहा है, एक्स एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवीजर ऑफ 18, पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवीजर है, कौन कौन सा है, 0 तो मैं से अगले पे देखते हैं, 18 का डिवीजर है, 9 भी डिवीजर है, 6 भी है, 9 भी, ये भी है, पर ये भी है, पर इसमें सारे एलिमेंट डिवीजर करते हैं, तो इसको इसमें घुसा देंगे, एक्स एक्स जे इंटीजर, तो यहाँ किसका स्केयर, 9 इक्वल टू 0 आएगा, 3 या -3 का स्केयर, तो ये रहा। तो कह रहा है एक्स इज इंटीजर, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 0 होगा जब भी प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, तो ये सेट है। तो इस तरह से हमने ख़त्म कर लिया, अब क्वेश्चन 1.1 स्टार्ट करेंगे।